दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष नई जानकारी लेकर के। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पीएसएल का पैसा दिलाने के लिए भारतीय लोक सेवा दल के माननीय महेंद्र पाल दानगढ़ जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 25 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दोस्तों इस पर बात करेंगे, क्या असर हुआ इसका, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, और क्या रणनीतियां चल रही हैं इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों जो पहली बार चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं हमसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे दोस्तों। और सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आते हैं अपने मुद्दे पर, पीएसएल का पैसा नहीं मिल रहा। इसी नाते जो है पीएसएल के शुभचिंतक महेंद्र पाल दानगढ़ जी भारतीय लोक सेवा दल के अध्यक्ष हैं। ये दानगढ़ जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आज 9वां दिन है दोस्तों। हम बात करते हैं या आज इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, कोई मीडिया कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। हम पहले बात करेंगे इस बात पर भी कि पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ करते थे, भूख हड़ताल हुआ करती थी, लोग भूख हड़ताल करते थे, उनके पीछे लोग चलते थे और उस बात को मनवाते थे जिस बात को मनवाना चाहते थे और मानी भी जाती थी। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि हमारी बातें नहीं मानी जा रही हैं। भूख हड़ताल चाहे जितने दिन बैठे रहो इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। पहले महात्मा गांधी थे जो बुजुर्ग थे और उनके पीछे करोड़ों लोग चल देते थे और अपनी बात को मनवा लेते थे और मीडिया सरकार उनके आगे झुक जाती थी, लोकतंत्र की इज्जत होती थी। लेकिन आज लोकतंत्र की इज्जत नहीं हो रही है दोस्तों। और महेंद्र दानगढ़ जी बुजुर्ग है और पीएसएल में करोड़ों लोगों का पैसा जमा है और अन्य कंपनियों का पैसा भी जमा है। सभी पैसा को दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज सरकार किसी प्रकार की सुध नहीं ले रही है। इसी बात पर हम बात करते हैं दोस्तों कि क्यों आज ऐसा है कि सरकार सुध नहीं ले रही है। क्या वो मर जाएंगे तब वो सुध लेगी दोस्तों? इस बात को अच्छी तरह लोग जान चुके हैं कि भारतीय लोक सेवा दल के माननीय महेंद्र दानगढ़ जी लगे हुए हैं, महेंद्र पाल दानगढ़ जी लगे हुए हैं पैसा दिलाने के लिए, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अपने जीवन को दांव में लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि सारी प्रॉपर्टियां जो हैं जो पीएसएल के पैसे की खरीदी हुई हैं सभी संपत्ति अटैच हों, जाँच हो, और जो भंगू के नाते रिश्तेदार हैं उनके पास जो संपत्तियाँ हैं वो भी अटैच होना चाहिए ताकि सभी लोगों का पैसा आसानी से मिल सके दोस्तों। सब बहुत सारी संपत्तियां हैं जो लोढ़ा कमेटी में अटैच नहीं हो रही हैं और लोढ़ा कमेटी भी इतनी गद्दार है कि कुछ एक्शन नहीं ले रही है, सरकार भी कुछ एक्शन नहीं ले रही है, सेबी भी कुछ एक्शन नहीं ले रही, कुछ नहीं कर रही है दोस्तों। ऐसे में सारी संपत्तियां जब अटैच नहीं होंगी तो हम लोगों का पैसा कैसे मिलेगा? फंसा हुआ है, बहुत बुरा हाल है। सरकार को सुध लेना चाहिए, बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। बहुत बड़े लोग हैं जो असरदार लोग हैं जो सब हैं, कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात है दोस्तों। इसी बाबत महेंद्र पाल दानगढ़ जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मरणासन्न स्थिति में हैं दोस्तों। इस बात को हम खबर बार बार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं ताकि आज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले भी महात्मा गांधी हुआ करते थे, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी, सत्याग्रह किया था और वो सरकार को झुका लेते थे। हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र पहले बहुत मजबूत था, लोकतंत्र की इज्जत होती थी और लोकतंत्र सरकार समझती थी। आज सरकार कोई भी उनके सामने मर जाए, आत्महत्या कर ले, कुछ भी करे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, और सरकार मनमानी करती है। यही हम बात सिद्ध करना चाहते हैं दोस्तों कि आज महेंद्र पाल दानगढ़ जी करोड़ों लोगों के लिए जी रहे हैं, मरणासन्न स्थिति में चले गए हैं और उनकी स्थिति
बहुत गड़बड़ है दोस्तों। धन्यवाद, आप कमेंट